स्मार्ट चैनल और आज मैं व्लॉग बनाने जा रही हूँ। ये देखो कौन है, दो क्योंकि मुझे लगा कि व्लॉग बहुत अच्छा तरीका होता है आप लोगों से बात करने का और इंटरेक्ट करने का। ये अभी रात का टाइम है, एक्चुअली मैं दूसरे चैनल की वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक छोटा सा व्लॉग बना लूं, आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगी। मैं इन पे नज़र रख रही हूँ, पता नहीं दो दिन से ना ये आपस में एग्रेसिव हो रहे हैं, अदरवाइज पहले ये बाहर आके ऐसे खेलते रहते थे काफ़ी देर तक, अभी ये दो दिन से एग्रेसिव हो रहे हैं आपस में, तो मैं बिल्कुल नज़र रख रही हूँ इनके ऊपर। मतलब मैं इनको एक मिनट भी एक साथ नहीं होने दे रही हूँ, क्योंकि कल मेरे आंखों के सामने आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आंखों के सामने एक सेकेंड नहीं लगा चेरी और मफिन ने मतलब एक दूसरे का मुंह पकड़ लिया। और अगर मैं आपको मफिन क्लोजअप से दिखाऊंगी तो उसके यहाँ के फर हट चुके हैं। बाद में मुझे बहुत ज्यादा रियलाइज हुआ, मैंने बहुत बुरा फील किया कि यार मतलब मेरे आंखों के सामने ये चीज हो गई। तो मैं वैसे इनको कभी भी अपने से मतलब जब मैं इधर उधर जाती हूँ मैं हमेशा प्ले पैन लगाकर जाती हूँ हमेशा। दिन में जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ड्राइंग रूम में और बेडरूम में चीकू फ्री रहता है, बट अभी चीकू जैसे सोने चला गया है, मतलब अपने बेडरूम में है, मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं सोने, मैं यहाँ बैठ के वीडियो शूट कर रही थी अपने दूसरे चैनल शी लुक की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा देती हूँ कि जैसा प्यार आप मुझे इस चैनल पर देते हो वैसा ही प्यार होपफुली आप मुझे शी लुक पे भी दो। तो मैं उसकी वीडियो शूट कर रही थी और इन दोनों को मैंने बाहर निकाला कि चल अभी आधा पौना घंटा ये भी लोग खेल लेंगे, वैसे तो वो रूम बहुत अच्छा बड़ा है। तो ये देखो ये देखो देखो मेरे पीछे से कौन भागा है, तो मेरे पीछे आके बैठ गया है ये रहा चेरी। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक व्लॉग शूट करके आप लोगों से बातें भी कर लूंगी, और मैं जानती हूँ आप लोगों को चाहिए बॉन्डिंग रैबिट्स की बॉन्डिंग के ऊपर वीडियो, तो वो मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी। वो देखो क्या हो रहा है, इस वक्त थोड़ा मेरा लिविंग रूम मैसी मिलेगा क्योंकि दिन में चीकू होता है यहाँ, तो टेरिटरी इशू स्टिल अभी भी है इनमें, तो ये लोग क्या करते हैं जहाँ चीकू पॉटी करके जाएगा या शुशु करके जाएगा वहाँ ये लोग चेरी और मफिन शुशु पॉटी करेंगे ही करेंगे, तो इसलिए अभी मेरा लिविंग रूम मैसी होता है। मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले लिविंग रूम में फटाफट वाला एक छोटा सा क्लीनिंग व्लीनिंग कर देती हूँ ताकि मेरी मेड आ जाए तो उसको हार्ट अटैक ना हो जाए, इसीलिए मैं छोटा मोटा क्लीनिंग कर देती हूँ। मेरी नज़र एक्चुअली उन लोगों पे है, वो यहीं कहीं भाग रहे हैं, तो बस मुझे ये लग रहा है कि वो मतलब मेरी आंख से ओझल नहीं होने चाहिए। मैं इसलिए भागी भागी आई हूँ पीछे पीछे वीडियो बनाते बनाते, मैंने इसलिए कट लगाया। इन दोनों की टेल ऊपर हो चुकी थी, अगर इनकी टेल ऊपर है तो इसका मतलब ये फाइट करने की सिचुएशन में है और ये फाइट करेंगे। मैंने फटाफट आते ही प्ले पैन बीच में लगा दिया ताकि वो देखो ये देखो ये देखो क्या हो रहा है। तो इस टाइप से रैबिट फाइट करते हैं, देखो मतलब ये अग्रेसिव फाइट नहीं है, ये तो नॉर्मल फाइट बता रही हूं मैं, और वो भी न्यूटर्ड के बाद। देखो इनमें कितना अभी भी थोड़ा सा अग्रेशन है, मैं बता रही हूं ना कि ये दो दिन से पता नहीं क्यों फाइट कर रहे हैं, मतलब वो इनके हार्मोन्स हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। टाइम लगेगा एज पर एक्सपर्ट्स, मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि यार मतलब सबके बॉन्ड हो जाते हैं, और इनको मैं फरवरी 2020 से 2020 से बॉन्ड कर रही हूँ, अब चल रहा है अक्टूबर लास्ट, स्टिल ये 100% बॉन्ड नहीं हुए हैं। तो मैंने आते फटाफट प्ले पैन लगा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे इतनी सी लापरवाही की वजह से मफिन को या चेरी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दुख या तकलीफ पहुँचे। और अब मैं इनको टर्न वाइज ही जाने दूंगी लिविंग रूम में खेलने के लिए, क्योंकि ये एक साथ जाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी पहले चेरी थोड़ा सा घूम ले, देन मफिन घूमेगा। मफिन को मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ, उसके नाक के पास के देखो फर चेरी ने ना हटा रखे हैं। वेट मफू, नोना बच्चा फेस दिखाओ। मफू को कोई फेस दिखाने में इंटरेस्ट नहीं है। मफू मफू फेस दिखाओ सबको, आपके सब फ्रेंड्स हैं बेटू मफू। और आप सोच रहे हो कि मैंने हे इतनी फैलाई हुई क्यों है, पूरे मैथ्स पे ये हे क्यों फैली है। एक्चुअली कुछ दिन से ना ये लोग हे कम खा रहे हैं और मैं बहुत परेशान थी। फिर मैंने क्या किया है, कुछ टिकड़म लगाई है कि भाई मैं लोगों को गाइड करती रहती हूँ और मेरे बच्चे खुद के हे नहीं खाएंगे, मैं तो परेशान हो जाऊंगी। तो मैंने हे में थोड़ा सा खीरा, थोड़ा सा धनिया और पता नहीं मतलब ये सब जो इनकी वेजीज इनको देती हूँ
सेफ वो थोड़ी सी चॉप करके हे में अच्छे से मैश करके हे फैला कर दिए है, क्योंकि कई बार ये अपनी बॉक्स से हे नहीं खाना पसंद करते और फैली फैली होती है ना, जो नेचुरल वे होता है उससे खाना पसंद करते हैं। और देखो लिटर बॉक्स का कपड़ा इसने सारा समेट दिया है, क्योंकि कई बार ये लिटर बॉक्स में डिगिंग करते हैं। वैसे ये डिगिंग नहीं करते हैं, अभी स्टार्टिंग में करते थे, अब नहीं करते। ये उसने फाइट करने का सीन है। मैं इसका प्ले पैन हटा देती हूँ, ये बहुत बेचैन हो गया है क्योंकि इसने देख लिया कि चेरी बाहर है, बट मुझे ये मेन डोर बंद, मतलब मेन जो मेरा सेकंड वाला बैरियर है ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये फाइट कर रहे हैं। तो पूरे रूम में इसको खेलने दूंगी और लिविंग रूम में थोड़ी देर के लिए चेरी खेल लेगा। किचन की लॉबी में घुसा हुआ है, वो लॉबी बिल्कुल कवर है इसलिए सेफ है, मैं वहां जाना इसको अलाउ करती हूँ। अदरवाइज ये सिर्फ मतलब दो लॉबीज हैं जहां जाना अलाउ है इनका। ये देखो सारा मैस है, ये रात का सारा रहेगा ही रहेगा। एक ये वाली लॉबी है जो कवर है, इन दो लॉबीज में जाना इनका अलाउ है, बाकी लॉबीज में इनका जाना अलाउ नहीं है। बस मैं यही एक छोटा सा व्लॉग बनाना चाहती थी। एक सेकंड मैं आपको एक और दिखाती हूँ हंसी की चीज। ये क्या है आप लोगों को पता है? ये बीन बैग है। बीन बैग सोफे के ऊपर इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि जो हमारा रूम है उसका डोर हम खोल लेते हैं और चीकू महाराज बाहर आते हैं, कभी उनका दिमाग थोड़ा सा नॉटीनेस ज्यादा आ गई तो वो बीन बैग को काट लेंगे। और मैंने न्यू लिया है बीन बैग अभी अभी, तो वो मेरा नया बीन बैग खा जाएगा, मतलब काट के फाड़ देगा। इसलिए मैं इसको रात को ऊपर चढ़ा देती हूँ, फिर मॉर्निंग में जब ये लोग सुस्त होते हैं यानी कि सोने वाले टाइम में होते हैं तो मैं बीन बैग को नीचे कर देती हूँ। अभी इनके पास लॉट्स ऑफ च्यूइंग टॉयज है, सब कुछ है। वैसे बहुत ज्यादा नहीं च्यूइंग करते बट फिर भी मुझे डर लगता है कि यार एटलीस्ट 2-3 महीने चलने दो मेरी चीजें। चीकू नहीं करता वैसे च्यूइंग विंग, बट चेरी को मैंने एक दिन देखा था, इसका कोई धागा लटक रहा था, शायद वो खींच रहा था, तो मुझे तब से लगने लगे कि भैया ये जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऊपर चढ़ा कर रख दिया है रात में। और जो भी वायरिंग वायरिंग वाली चीज होती है वो मैं हमेशा ऊपर थोड़ा सा रखती हूँ टॉप पे। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। गुड नाइट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक बता देना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप टॉपिक डाल देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी में डाल दूंगी। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट नहीं किया है तो कमेंट भी कर दीजिए। और बॉन्डिंग का वीडियो मैं बहुत जल्दी डालूंगी, बहुत लंबा चौड़ा डाटा है फरवरी से लेकर अभी तक का, जो मुझे मेरे पीसी में ढूंढना पड़ेगा मैंने कहाँ कहाँ क्या चीज डाल दी, क्योंकि पीसी ओवरलोडेड हो चुका है। और मेरे फोन से मैं शूट करती हूँ तो मेरे फोन में स्पेस नहीं होती, मैं सारा डाटा उसमें डाल के इसमें से डिलीट करती हूँ। नई वीडियो शूट करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। और फेस्टिवल सीजन है, घर की सफाई करनी है, बहुत सारा काम पड़ा है, कुछ चीजें शॉपिंग करनी है। अभी वैसे इनकी पैलेट्स आने वाली है, उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ कि कौन सी पैलेट सेफ है, कैसे देनी है, कितनी क्वांटिटी में देनी है, कब देनी है और कब नहीं देनी है। तो ये वाली वीडियो बहुत जल्दी, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो ही ये वाली आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।